हेलो फ्रेंड्स, सो इतने टाइम से मैं बिजी था, बाकी उसके लिए सॉरी। सो WD की 4TB की हार्ड डिस्क आज अपन देखेंगे, और बाकी मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ठीक है, चैनल पर पहले आए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप लोग पूरा देख लेती हो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब से और वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं यार, इसका इंटरफेस देखते हैं। इंटरफेस WD है, ब्लू एडिशन है, 4TB की हार्ड डिस्क, इसकी RPM 54 RPM 100 और 6 GB/s है, और कैश मेमोरी 256 MB है, और 35 और इसकी MM साइज दी गई। ठीक है, तो अच्छी है। इसमें हार्ड डिस्क में बात की जाए तो कैश मेमोरी और स्टोरेज प्राइस अच्छी है इसकी। और अब बात कर लेते हैं, 2 ईयर की वारंटी है इसमें, और 4TB की हार्ड डिस्क है। इंटरफेस ATS SATA दिया है, WDST दिया है, एंड इसके साथ अपग्रेडिंग में बात की जाए तो अपग्रेडिंग में आपको मैकेनिकल हार्ड डिस्क है, PC गेमिंग कंसोलर है, कंफर्टेबल है, 4TB की आस है, 4000 GB की हार्ड डिस्क है इसकी, और 5400 RPM दिया गया है। ठीक है, IDS में प्रीमियम ड्राइवर्स दिए गए हैं, तो PC ऑफिस एंड एप्लीकेशन, तो इसको आप एक्सपोज करके पढ़ सकते हैं। बाकी WD इंटरफेस एंड ड्राइवर रिलेबिलिटी फॉर ऑफिस एंड जॉब्स के लिए अच्छी रहेगी, बाकी ये आपके वर्किंग एंड होम एंड ऑफिस के लिए। सो अबाउट रिलेबिलिटी, एवरी कंप्यूटिंग में बता रहे हैं कि रिलेबिलिटी कंप्यूटिंग WD क्वालिटी इज रिलेबिलिटी है, फ्री ऑन ट्रस्ट इमेज एडिशन सॉफ्टवेयर एंड मास कैपेसिटी 60 GB। अब पावर कंजेक्शन की बात की जाए तो मैंने इसमें बताया कि लो पावर कंजेक्शन है इसमें, आपको यस रहेगा, अच्छे से ज़्यादा पावर कंजेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, सो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन लिंक ले दिया है, आप उसको अमेजन फ्लिपकार्ट से इसको बाय कर सकते हैं, बाकी प्राइस अच्छा है मैं इसको कहूँगा। ठीक है, चलिए अब इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सो स्पेसिफिकेशन 4TB हार्ड डिस्क है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। सीरियस 600 है, SATA से WD है, 3.5 इंच PC मैकेनिकल हार्ड डिस्क है, और PC गेमिंग से 4TB और 5400 RPM है। तो ये फुल डिटेल्स और अच्छे से मैंने बताई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, और सब्सक्राइब करें यार, चैनल पर बने रहते हैं। अबाउट रिलेबिलिटी, एवरी कंप्यूटिंग दिया गया है, डिजिटल्स एंड क्वालिटी रिलेबिलिटी एंड फ्री एंड WD एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड मैसिव कैपेसिटी 60 GB, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर भी आपके वर्क अच्छे से करेंगे, फिल्मोरा एडिटिंग के लिए, और प्रीमियम प्रो और गेमिंग के लिए मैं कह सकता हूँ, और वीडियो रेंडरिंग के लिए। एंड वारंटी की बात की जाए तो आप इसकी 2 ईयर की वारंटी मैन्युफैक्चरी आती है, बाकी अच्छी है 2 ईयर की, बाकी तो ये अच्छी चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। WD ब्रांड अच्छा है, विस्टल डिजिटल। तो व्हाट इज़ द इनबॉक्स इन, तो वोट बॉक्स में आती है अपनी हार्ड डिस्क HDD है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव डिस्क। ठीक है, हार्ड ड्राइव डिस्क, ओके। अब बात आती है कि यार इसमें मैंने ये एक बताया कि प्राइस अच्छा है, अभी 9000 के अंदर आपको ये मिल जाएगी हार्ड डिस्क, और आप पढ़ ले है ना, और अपन इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आप पुश करके पढ़ सकते हैं। WD है 4TB 3.5 इंच, और हाइट वेट वगैरह 4 इंच दिया गया है, लिथियम 1 4TB, और मैकेनिकल हार्ड डिस्क सीरियल 54 RPM, और वोल्टेज में 630 600 दी है। एंड हार्ड डिस्क में प्लेटफॉर्म PC दिया गया है, एंड एयर बैटरी CNO है, और 2 kg Wh की दी गई बैटरीज कनेक्ट कर लिथियम 2 ग्राम से, हार्ड डिस्क है थाईलैंड एंड 120 ग्राम की वेट दिया गया, लिथियम सेल्स 5 दिए गए, बाकी इसको पुश करके पढ़ सकते हैं दोनों को आप। और WD की हार्ड डिस्क इंटरनेट इज ऑफिस एंड एप्लीकेशन है, PC गेमिंग्स लैपटॉप्स गेमिंग्स एंड डेस्कटॉप्स के लिए आपको WD की हार्ड डिस्क, डेट इज योर राइट इन चॉइस ऑफ चॉइस। ठीक है, यानी अच्छी ऐसा के लिए रहेगी आपको। ठीक है, सो WD की हार्ड डिस्क के लिए मैं इसलिए सजेशन करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि उसकी क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, और सर्विस सबसे अच्छी मिली है मुझे, मैंने भी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो इसके साथ मैं ये कहना कहूँगा कि आप इसको अमेजन फ्लिपकार्ट से इसको देख सकते हैं, अच्छा प्राइस चल रहा है अभी, तो प्राइस में आपको कम प्राइस में मिल जाएगा आपको 9000 के अंडर, 9000 के अंदर ही। और 4TB की हार्ड डिस्क है, जो भी आपको इंटरनल स्टोरेज एक बार में ही करना है अच्छा, तो आप अपना 4TB का हार्ड डिस्क लगाएं, जिसमें किसी डॉक्यूमेंटेशन वीडियोस और गेम्स अभी स्टोरेज कर सकते हैं अच्छे से इजीली। और बात की जाए इसकी चलने की सर्विस की, तो अच्छी चलती है, बाकी इसकी 10 ईयर 5 ईयर तक अच्छी चलती, कंटिन्यूसली चलती रहती है, और पावर इसको अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब से इस तरह की और वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।